हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एड अपॉइंटमेंट और व्यू अपॉइंटमेंट पेज क्रिएट कर लिया था। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसका व्यूज डॉट पी वाई के अंदर इसका कोड लिखना है। ठीक है, तो हमें एक तो बनाना पड़ेगा व्यू अपॉइंटमेंट और एक बनाना पड़ेगा एड अपॉइंटमेंट और एक फंक्शन रहेगा डिलीट अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। व्यू डिफाइन पेशेंट, ठीक है, आप देख रहे हैं ये व्यू पेशेंट हमने बनाया था और इसके नीचे हमने बनाया था एड पेशेंट और उसके बाद था डिलीट पेशेंट। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसी में हम चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाओगे व्यू पेशेंट पे। तो व्यू पेशेंट का नाम आप क्या रख दोगे यहाँ पे, व्यू अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये नया फंक्शन हम बना रहे हैं व्यू अपॉइंटमेंट नाम का, और एक हो जाएगा एड अपॉइंटमेंट। और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ डिलीट अपॉइंटमेंट। ठीक है, और जहाँ भी पेशेंट लिखा है तो वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, अपॉइंटमेंट लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं व्यू अपॉइंटमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपॉइंटमेंट मॉडल से डेटा सर्च करना है। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम मैं रख देता हूँ अपॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे हम और तो कुछ यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी हमने यूज़ किया था अपॉइंट, तो यहाँ जो मैंने लिखा है APPOINT, तो वही मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना है। ठीक है, वही मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना है। अब आते हैं एड अपॉइंटमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या चेंज होगा। अब यहाँ क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन के अंदर जो डॉक्टर्स के नाम दिखाने हैं वो तो कहाँ से आएंगे, डॉक्टर मॉडल से आएंगे, और जो पेशेंट के नाम दिखाने हैं दूसरे मॉडल में तो वो डेटा पेशेंट मॉडल से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन दोनों मॉडल से, मतलब उन दोनों टेबल से भी मुझे डेटा सर्च करना पड़ेगा। वो सर्च करके मुझे डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ DOC। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एड अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक जगह हमने लिखा था डॉक्टर और दूसरी जगह पेशेंट, तो पूरा फुल नेम हमने यूज़ किया था वैसा ही हम यहाँ पे भी लिख देते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर वेरिएबल के अंदर डेटा आ जाएगा डॉक्टर मॉडल से, तो आप लिखोगे डॉक्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है, डॉक्टर्स डॉक्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल लिखा। इसी तरह पेशेंट वेरिएबल के अंदर डेटा आ जाएगा पेशेंट मॉडल से।
तो पेशेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं अपॉइंटमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। अब हमने जो फॉर्म क्रिएट किया था एड अपॉइंटमेंट में, तो उसमें हमारी जो फील्ड थी तो उनके नाम हमने क्या दिए थे, सबसे पहला जो था ड्रॉपडाउन था उसका नाम था डॉक्टर, फिर दूसरा ड्रॉपडाउन उसका नाम था पेशेंट, देन आफ्टर हमने डेट कंट्रोल बनाया था, फिर टाइम कंट्रोल, ठीक है। और इनका नाम भी मैंने दिया था डेट और टाइम। ठीक है, तो डॉक्टर, देन आफ्टर पेशेंट, और उसके बाद डेट, डेट के बाद टाइम, ठीक है। इसको हम रिसीव कर लेते हैं डी वेरिएबल के अंदर, इसको पी वेरिएबल के अंदर, और इसको हम रख लेते हैं D1 के अंदर, और इसको T1 के अंदर, ठीक है, या T1 जो भी नाम देना हो वेरिएबल्स का आप दे सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, अब क्योंकि जो ड्रॉप डाउन से डेटा आएगा, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्टर, या फिर इसका नाम, ऊपर जो वेरिएबल है उनका नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको डॉक्टर की जगह डॉक्टर 1 और पेशेंट 1 नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्टर असाइनमेंट, डॉक्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, डॉक्टर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, नेम इक्वल टू पी, ठीक है। अब क्योंकि ये दो नाम एक जैसे हो जाएंगे इसलिए इसका नाम मैंने दे दिया डॉक्टर 1, ठीक है। नेम असाइनमेंट पी, पी 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 नहीं आएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन से जो डेटा आया होगा वो हमें फिल्टर करवाना है, और उसके बाद हम लिख देंगे डॉट फर्स्ट। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं पेशेंट, और यहाँ पे आ जाएगा पेशेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, नेम असाइन पी, ठीक है। डी क्या है, यहाँ पे डी वेरिएबल के अंदर डेटा रिसीव किया था और यहाँ पे पी वेरिएबल के अंदर, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें फिल्टर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर, देन आफ्टर पेशेंट, ठीक है। ये सारी फील्ड हमने जो दी थी अपॉइंटमेंट मॉडल के अंदर वो हम यहाँ पे लिखेंगे, डेट 1 और टाइम 1, ठीक है। हमने मॉडल के अंदर डेट 1 और टाइम 1 नाम दिया था अपॉइंटमेंट मॉडल के अंदर, डेट 1 टाइम 1, ठीक
ठीक है, और यहाँ पे मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डी, देन आफ्टर पी, और यहाँ पे हमने डेटा रिसीव किया था D1 के अंदर, तो यहाँ पे D1 लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा T। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो हमने यूज़ किया था यहाँ पे Doctor1 Patient1, इसके अंदर डॉक्टर टेबल का सारा डेटा है, इसके अंदर पेशेंट टेबल का डेटा है, तो ये हमें ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करना है। तो जब हम इस पेज को रेंडर करवाएंगे तो हमें ये डेटा पास करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सब तो सही है, यहाँ चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था एरर कॉलन एरर, उसके अलावा यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं डॉक्टर, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्टर, और मैं बता देता हूँ कि जो डेटा आएगा वो आएगा Doctor1 वेरिएबल से, फिर पेशेंट कॉलन Patient1। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, और भी हम चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। डिलीट। ठीक है, सबसे पहले हमने व्यू अपॉइंटमेंट बनाया, उसके बाद एड अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब हम कोट कर लेते हैं urls.py का, तो प्रोजेक्ट के अंदर जाके हम urls.py के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाले तीन पाथ आपने, लास्ट वाली जो तीन लाइन आपने लिखी है उसको आप कॉपी करोगे, यहाँ पे पहले हम कॉमा लगा देंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे व्यू पेशेंट की जगह हम लिख देते हैं व्यू अपॉइंटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे एड पेशेंट की जगह एड अपॉइंटमेंट आ जाएगा, डिलीट पेशेंट की जगह डिलीट अपॉइंटमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने दोनों फंक्शंस के नाम बता दिए जो मैंने views.py के अंदर बनाए हैं, और यहाँ पे भी आ जाएगा डिलीट अपॉइंटमेंट। ठीक है, देन आफ्टर हम इसको, रन करते हैं तो टर्मिनल पे जाके हम कमांड लिखते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर।
पाइथन की जगह यहाँ पे आप चाहो तो पी वाई लिख के भी रन कर सकते हो, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, तो ये एडमिन का लॉगिन पेज आ गया। अब हम लॉगिन करते हैं एडमिन अकाउंट में। तो मैंने यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया, एंटर प्रेस कर दिया, लॉगिन सक्सेसफुल। अब मैं जाता हूँ सबसे पहले व्यू अपॉइंटमेंट में। तो यहाँ पे कोई इधर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो एड अपॉइंटमेंट में जाके हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आईडी आ रहा है डॉक्टर का, और पेशेंट में कुछ नहीं आ रहा। क्या पेशेंट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है? ओके, यहाँ कोई डेटा नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। और उसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे नाम के बाद ये आई डॉट आई डी क्यों लिखा है, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। एड अपॉइंटमेंट यहाँ पे, अच्छा, दो बार मुझे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आईडी नंबर आएगा। एक बार हम इसको पेज को फिर से ओपन कर लेते हैं। अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं फिर से एक बार, अच्छा ये तो हो गया पेशेंट वाला। ओके, इसी तरीके से हमें डॉक्टर वाले में भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे वन आ गया। तो ये एक आईडी भी हमने डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि नाम तो क्या होता है, एक जैसा हो सकता है। तो एडमिन जब यहाँ से सेलेक्ट करेगा तो उसको आईडी भी अगर दिखेगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आईडी सबका यूनिक होता है। आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, वो लगाना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ कुछ डेटा नहीं है, तो पहले हम पेशेंट के अंदर जाके कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो एड पेशेंट, यहाँ पे हम पेशेंट का कुछ नाम दे देते हैं। कुछ भी मैंने नाम दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, सबमिट पे क्लिक किया। तो ये रिकॉर्ड सेव हो गया। एक और रिकॉर्ड में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर लिए। तो व्यू पेशेंट में आपको ये दोनों रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। अब जब आप एड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पेशेंट का डेटा भी आ रहा है और डॉक्टर का डेटा भी आ रहा है। पहले तो मैं ये हेडिंग चेंज कर लेता हूँ। एड पेशेंट की जगह हम क्या लिख देते हैं, एड अपॉइंटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने डॉक्टर सेलेक्ट किया, पेशेंट सेलेक्ट किया और डेट प्रोवाइड कर दी।
और टाइम प्रोवाइड कर दिया। सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हम आते हैं यहाँ पे models.py के अंदर, यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर पेशेंट डेट वन टाइम वन। एक बार मैं views.py के अंदर वापस आता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे डी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे डॉक्टर लिखना चाहिए। ठीक है, ये इस वाले वेरिएबल का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो वेरिएबल है पेशेंट, इसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इसका तो हमने यूज़ किया ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, पेशेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट प्रोवाइड करते हैं, टाइम प्रोवाइड कर देते हैं, सबमिट करते हैं। तो अब आप देखेंगे रिकॉर्ड सेव हो चुका है। और अब आप यहाँ व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेटा डिस्प्ले भी हो जाएगा। डॉक्टर का नाम आ गया, पेशेंट का नाम आ गया, डेट आ गया और टाइम आ गया। अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो एड अपॉइंटमेंट और व्यू अपॉइंटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे होम पेज पे डिज़ाइन करना है। यहाँ पे तीन डिवीज़न बनाने हैं, उसके ऊपर चाहो तो एक इमेज वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें हमें दिखाना है कि टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हैं और टोटल अपॉइंटमेंट कितने हैं। और वो डेटा हर बार अपडेट होते जाएगा, जो नंबर रहेगा नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स नंबर ऑफ़ पेशेंट वो अपडेट होते जाएगा जितना जितने रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।